हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हाँ, जो मेरी कल की वीडियो जहाँ मैंने ख़त्म की थी वहीं से मैंने शुरू की है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे मंत्र भोलेनाथ जी हैं और ये गंगा जी हैं, यानी कि गंगा मैया। तो ये हरिद्वार की गंगा जी है। तो आप देख सकते हैं, वहीं का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहीं पर कि कल मैंने अपनी वीडियो ख़त्म की थी, तो मैंने वहीं से शुरू की है। क्योंकि मतलब हम 2-3 दिन रुके थे, 2 दिन रुके थे, तो मतलब उसी हिसाब से मुझे अपने ब्लॉग डालने हैं। बड़े ब्लॉग कोई पसंद नहीं करता, तो इसलिए मुझे छोटे छोटे करके डालने हैं और सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो यहाँ मेरे बच्चे लोग खड़े थे सब, क्योंकि उनको मुझे नहलाना नहीं था, मैंने बताया था आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ये नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो भी नहाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और अकेले थे, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। तो सोच रहे थे कि एक दूसरे को देख के हिम्मत आ जाती है। फिर भी गंगा जी में तो बहुत सारे लोग बाहर के भी होते हैं, तो एक दूसरे को देख के हिम्मत आ ही गई और वो नहाने लगे। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो कुछ कुछ सर्फरे ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं, जो उनके पीछे एक दूसरे के ऊपर मतलब ऊपर चढ़ के नहा रहे हैं। तो मस्ती भी कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं। तो ये आगे वाले मेरे हस्बैंड जी हैं जो नहा रहे हैं, और गिनती की उन्होंने 3-4 ये डुबकी लगाई थी गंगा जी में, और इतने ही निकले आए थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। बहुत ही मतलब कहते ना किड़किड़ी बजरी वो वाली बात हो रही थी कि दांत बज रहे थे। तो मतलब इतना ठंडा पानी था, नहाने के लिए सोचना पड़ रहा था। तो वो देखो निकल के आ गए हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरी जिठानी मतलब हम नहाने के लिए गंगा जी में नीचे चले गए हैं। तो मतलब बहुत ठंडा पानी था, तो मैंने हिम्मत जुटा के अपनी डुबकी लगा ली, और मेरी जिठानी जी ने मतलब डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि गंगा जी बहुत ना ज़्यादा यहाँ पर नीचा था, तो वो मतलब उतर ही नहीं पाए नीचे, और वो वहीं से ही ऐसे ही नहा ली। और मैं नीचे नीचे जाके नहाई थी, तो थोड़ी देर ठंड लगी थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा मतलब महसूस हुआ, काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील हुआ था। तो हम आप देख सकते हैं, हम नहा लिए हैं और हम यहाँ पर तैयार हो गए हैं आगे जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी बिटिया हैं, ये छोटा वाला बेटा है, तो मेरी बिटिया रानी है तीनों, और मतलब मेरी जिठानी जी की बेटी भी है, मेरी भी है, और ये बच्चे हैं मतलब आप देख सकते हैं। और ये मेरी जिठानी जो मेरे से बड़ी हैं। तो हम मतलब नहा धो करके मतलब जा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो खूब सारी भीड़ है, क्योंकि कुंभ भी यहाँ पर हरिद्वार में इस बार कुंभ है, तो काफ़ी लोग मतलब आ रहे हैं बाहर से, और मतलब अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों का नहान बहुत ही मतलब अच्छा माना जा रहा है, कि कुंभ के महीने जब कुंभ लगता है तो अच्छा माना जाता है, इसलिए काफ़ी भीड़ भी है। इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ भीड़ थी और अच्छा लग रहा था। तो यहाँ का नज़ारा इस तरह से है। तो दोस्तों, कैसी लगेगी मेरी वीडियो आपको बताना कमेंट में। अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जो जो मतलब शिव भक्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। दोस्तों, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानो तो हमें कहीं कुछ भी नहीं है। तो आस्था में ही सब कुछ होता है, मैं तो आस्था में विश्वास रखती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ ये मार्केट है जहाँ हरिद्वार की, तो ये मार्केट है, यहाँ से बच्चे लोग अपना छोटा मोटा सामान ले रहे थे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मार्केट है, मन करता है चीज़ें लेने को। और बच्चे लोग तो पीछे पड़ ही जाते हैं कि ये दिला दो वो दिला दो, आप देख सकते हैं, चीज़ ही इस तरह की रखते हैं वो दुकान वाले, कि हर किसी का मन ललचा जाए। तो बच्चे लोग तो फैल ही जाते हैं कि हमें ये लेना है वो लेना है, और हम उनको ये चीज़ें दिलवा भी रहे थे जो वो ले रहे थे, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें जाना है, यानी कि मनसा वो क्या बोले मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दर्शन करके जाएंगे, क्योंकि इससे पहली बार मैं आई थी, तो 2 बार दर्शन कर चुकी हूँ, लेकिन पैदल यात्रा से एक बार उड़न खटोला से। आप देख सकते हैं, उड़न खटोला का मतलब टिकट घर है, जहाँ से हम टिकट ले रहे हैं, और हमें उड़न खटोला से मनसा देवी जी के दर्शन करने जाना। तो ये मेरे हस्बैंड जी यहाँ टिकट ले रहे हैं और हम बाहर खड़े हैं,
तो मैं दूसरी बार इसमें उड़न खटोला में बैठ रही हूँ। एक बार मेरी बेटी छोटी थी तब बैठी थी, क्योंकि बच्चे को लेकर ऊपर नहीं जा सकते, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और हम बैठ बैठ गए हैं उड़न खटोला में। आप भी देख सकते हैं ये नज़ारा कितना अच्छा है। और एक बार को तो थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब बहुत ऊंचाई पर होते हैं ये, पहाड़ों में हैं, तो बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। लेकिन जब उनका आशीर्वाद होता है ना, तो हम सच्चे होते हैं, हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होता, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास रखती हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी मतलब जंगलों के बीच में अगर होकर ये उड़न खटोला निकलता है, तो बिल्कुल भी मन में झिझक नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे, बस मन में कि सच से बिल्कुल एकदम कि हाँ, हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, हमें डरना नहीं चाहिए, वो बात मैंने मन में रखी। और बिल्कुल हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर है, और ये जंगल में होकर जाता है ये उड़न खटोला। तो एक उड़न खटोले में 4 लोगों को बिठाते हैं वो। तो मतलब एक उड़न खटोले में मैं, मेरी जिठानी जी और ये मेरी एक बिटिया, एक मेरी जिठानी जी की, तो हम 4 लोग बैठे हैं। और दूसरे में मेरे हस्बैंड जी और मेरे मतलब तीनों बेटा हैं, यानी कि मेरे एक जेठ जी का बेटा और 2 मेरे, तो वो बैठे हैं एक में। तो एक में 4 ही को बैठाते हैं, तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये उड़न खटोला का ये सफ़र, बताना कमेंट में। और दोस्तों, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम ऊपर पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा ही समय लगा था। और जो पैदल के रास्ते से जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, थक जाते हैं, तो बच्चे लोगों के साथ ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी हमने इसको मतलब तय किया कि हम उड़न खटोला से ही मतलब उनके दर्शन करेंगे। तो ये देखो, ये मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, और इस तरह से ये निकलते हुए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत मज़े किए बच्चे ने। जब बच्चे छोटे थे तब बैठे थे, तब उनको पता भी नहीं था, लेकिन अब वो जानते हैं, तो उनको ये वाला मतलब हमने सफ़र कराया, तो वो बहुत खुश हुए थे और कह रहे थे कि खूब मज़ा आया हमें बैठ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मनसा देवी माता के दर्शन करने। तो प्रसाद ले लिया है, और मतलब वो लोग वहीं पर हाथ धुला देते हैं और प्रसाद दे देते हैं, जूते चप्पल निकलवा के। और उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है, तो अच्छा लगता है ऊपर जाके। तो हम दर्शन करने आए हैं, और भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया था, सभी मास्क पहने हुए थे। तो यहाँ पर हम सुबह के निकले हुए थे, तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी, क्योंकि नहाया भी था हमने यहाँ पर। और उसके बाद हम दर्शन करने के लिए गए, तो चाय ले ली है, और खाना खा के तो घर से निकले ही, बच्चे लोग निकले ही थे, फिर भी ना बच्चों को चाय पिला दी और हमने भी पी थी। और उसके बाद जब चाय वाय हमने पी लिया ऊपर, तब फिर से हम मतलब नीचे आने के लिए वहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ के लिए होता है, लेके भी जाते हैं और नीचे छोड़ते भी हैं दर्शन करने के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और ऐसा नहीं है मतलब जब ये ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इनकी चेकिंग भी होती है, उनको मतलब जो सर्विस वाले होते हैं उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सर्विस वालों को देख के, कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी मतलब उस उड़न खटोले में। तो यहाँ पर हम नीचे को फिर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब नीचे आ रहे हैं, तो और भी लग रहा था कि कितने ऊंचे से जा रहे हैं, कि खाई में ही जा रहे हैं, इस तरह से लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब नीचे आने वाले हैं हम, तो मतलब आगे पीछे हमारे दोनों परिवार हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी आगे, मतलब वो पहले चले गए हैं और हम उनके बाद जा रहे हैं। तो बस थोड़ा ही समय लगता है नीचे जाने में। तो आप देख सकते हैं हम नीचे भी आ गए हैं, और नीचे आ गए हैं तो फिर से आ गए हैं मार्केट में। तो कुछ बच्चों लोगों को पहले भी मतलब कुछ सामान दिला दिया था, तो फिर से बच्चों ने ज़िद की और फिर से उन्होंने खूब सारी शॉपिंग की। बच्चे लोग मानते नहीं है। तो दोस्तों, शाम हो गई थी, हमें इस तरह से ही वहाँ पर शाम हो गई थी, तो भूख लग रही थी सबको, भूख लग रही थी, तो मतलब हमने सादा खाना ही मंगाना अच्छा समझा, क्योंकि सादा खाना खाने से दिक्कत भी नहीं होती है और सबसे अच्छा होता है। यदि कि हम ये ब्रेड हो गए, ये पिज्ज़ा है या बर्गर है, ये सब हाँ, ये हेल्थी नहीं होते हैं शरीर के लिए, मतलब अच्छे नहीं होते हैं ये खाने। तो हमने आप देख सकते हैं दाल रोटी सब्जी
और ये राइस इन्हीं को लेना समझा, क्योंकि सादा भी होते हैं और बच्चे लोग खा भी लेते हैं और पेट भी भर जाता है बच्चों का। तो आप देख सकते हैं शाम हो गई थी तो खाना हमने वहीं पर खाया, और उसके बाद फिर से हम अब मतलब नीचे आए थे और थोड़ा सा घूमे और उसके बाद हम घर आ गए। तो दोस्तों मेरी वीडियो एक दो दिन मतलब ब्लॉग इस तरह से आएंगे, अच्छी लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, तो आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यह मतलब इतना अच्छा नज़ारा है, कितना एकदम नीला जल है और इतना इधर का बहाव इतना तेज़ था गंगा जी का तब हम आ रहे थे, तो इसको भी मैंने कैप्चर किया। बहुत अच्छा नज़ारा था, एकदम नीला जल था, इतना सुंदर लग रहा था। और वाकई में ना यहाँ का उत्तराखंड का जो हमारा पानी होता है ना, तो ये सारी हमारी पेट की समस्याओं को बिल्कुल सही कर देता है, यह मैंने देखा है। क्योंकि पिछले साल हम जब घूमने गए थे बद्रीनाथ इधर की साइड में, तो बिल्कुल मेरे पेट में कोई भी दिक्कत नहीं थी, और इधर आ जाती हूँ अपने यहाँ पर तो मेरे पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा था ना वहाँ का। तो हम आ रहे हैं अपने घर के लिए, मतलब ख़रीदारी भी कर ली है और मैं माता जी के दर्शन भी कर लिए हैं। दोस्तों आपसे एक बात कहनी है, मैंने पहली वीडियो में मनसा देवी जी को मनसा देवी जी के बारे में यानी कि वैष्णो देवी माता बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी, बोलने मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी में बैठने के लिए और शाम हो गई आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही वीडियो बताना ज़रूर। तो आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।